के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार पांडे को बड़ी सफलता मिली है। जब 5 शातिर अपराधियों को डकैती की योजना बनाते समय गिरफ्तार कर लिया गया। बीती रात मुखबिर से सूचना दी कि बरतघटा शासकीय खेल मैदान के पास 5 लोग हथियारों से लैस होकर डकैती की योजना बना रहे हैं, जिसकी सूचना पर कोतवाली प्रभारी अरुण पांडे ने तत्काल टीम गठित कर रवाना किया, जहां कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी कर डकैती की योजना बना रहे आधा दर्जन लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मोनू धीरेन्द्र उर्फ बलई विनोद, सूरज श्याम बाबू राम जीवन को गिरफ्तार कर इनकी तलाशी ली, तो कब्जे से लोहे का 2 बका, 2 रॉड, 1 लाठी, 1 टॉर्च बरामद हुआ। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा बताया गया कि छत्तीसगढ़ तरफ से आने जाने वाले ट्रक ट्रेलर एवं वाहनों को लूटने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार बदमाशों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय प्रस्तुत किया गया। थाना प्रभारी अरुण पांडे ने बताया कि आरोपीगण आदतन अपराधी हैं, इनके विरुद्ध थाने में कई अपराध पंजीबद्ध हैं। सिंगरौली से राजू दुबे की रिपोर्ट। 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, क्या मामला है? दिनांक 6-7 की दरमियानी रात कोतवाली पुलिस को इस हादसे की सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति बरतघटा में एकांत सुनसान स्थान में इकट्ठे होकर के और किसी गंभीर वारदात को अंजाम देने की तैयारी में डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा 3 टीमें गठित की गई और मौके पर रेड कार्यवाही की गई और रेड कार्यवाही पर 5 बदमाश, जिसमें से मोनूपुरी धीरेन्द्र साह, विनोद नामदेव, सूरज और श्याम बाबू बैस, इन 5 बदमाशों को पकड़ा गया। सभी बदमाश हथियारबंद स्थिति में मिले और उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पर यह पाया गया कि ये बदमाश डकैती जानने के प्रयोजन से इकट्ठे हुए थे। सभी को एक को तत्काल मौके पर गिरफ्तार किया गया। उनके मौके से उनके पजेशन में जो हथियार थे उनको जब्त किया गया और आरोपियों के विरुद्ध थाना बैठा में धारा 399, 402 भारतीय दंड विधान 25(2)(68) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही की गई है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया है। इसके पहले इनके खिलाफ मामला दर्ज था क्या? इनके आपराधिक रिकॉर्ड की पड़ताल की गई है। इसमें कई आरोपियों के विरुद्ध जो 5 है उनमें से ऑलमोस्ट सभी के विरुद्ध कई संगीन प्रकरण पूर्व से भी दर्ज है।